गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, लंबी गर्मियों की छुट्टी के बाद आपका हिंदी की ऑफलाइन वीडियो क्लास में स्वागत है। आइए सबसे पहले हम हिंदी विषय संबंधित कुछ सामान्य बातें उनको समझने का प्रयास करें, आप सुनने का प्रयास करें और उन बातों पर गौर फरमाएं। हिंदी विषय के अंतर्गत हमारी जो कक्षा 8 है उसके अंतर्गत दो हिंदी विषय की पुस्तकें हैं, एक न्यारिका जो मुख्य पुस्तिका है, दूसरी एक व्याकरण है। हिंदी विषय के अंतर्गत लगभग 21 पाठ दिए गए, उन पाठों को हम पूरे शैक्षणिक वर्ष के दौरान पढ़ने का प्रयास करें। तो आइए आज की जो वीडियो क्लास है उस क्लास के अंतर्गत हमारा जो पहला पाठ कविता पाठ है जिसका नाम है कर्तव्य बोध, इस पाठ का हम सोशल वाचन तथा उसका भावार्थ या सप्रसंग व्याख्या समझने का प्रयास करें। आइए हम जानते हैं कि इस कविता पाठ कर्तव्य बोध के लेखक कवि राम नरेश त्रिपाठी हैं। इस कविता पाठ के अंतर्गत हर प्राणी को अपने कर्तव्य का बोध कराने का प्रयास किया गया है। आइए हम जानते हैं, सबसे पहले इस कविता का सचवत वाचन करने का प्रयास करते हैं। आप भी अपनी पुस्तिका को खोलिए और उसमें जो भी कविता के जो पंक्तियां हैं उनको ध्यान से देखने का प्रयास करें और मेरे साथ में आपको भी पढ़ने का प्रयास करें। तो आइए अपनी अभ्यास पुस्तिका को देखें और उसमें सचवत वाचन करने का प्रयास करें। कविताएं कर्तव्य बोध। जग में चचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत, दून एक हैं एक न एक सभी को सबकी निश्चित वर्थ है। तुझ पर आतप से वसुता पर छाया करता है, तुझ पत्र भी स्वकर्म में कैसे तत्परता है। रवि जग में सोपा सरसाता सोम सुधा बरसाता, सब है लगे कर्म में कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता है। उद्देश्य नितांत है उद्देश्य नितान तुच त्रण में भी लघु जीवन का, उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म में तन का। तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि बल विशित जन्म तुम्हारा, क्या उद्देश्य रहित है जग में तुमने कभी विचारा। बुरा न मानो एक बार सोचो तुम अपने मन में, क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने निज जीवन में। केवल अपने लिए सोचते मौज भर गाते हो, पीते खाते सोते जगते हंसते सुख पाते हो, जग में दूर स्वार्थ साधन ही सतत तुम्हारा यश है। सोचो तुम्ही कौन अग जग में तुम सा स्वार्थ विवश है। यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है। दुख है प्रश्न कठोर देखकर होती बुद्धि विकल, किंतु स्वात्म बल विज्ञ सत्पुरुष ठीक पहुंच अटकल से हल करते हैं प्रश्न सहज में अविरल मेगा बल से। पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा किए हुए, वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा उसे होना है पूरीणी प्रथम है सत्कर्म कर्तव्य हमारा। फिर दे सकते हो वसुधा को शेष सब जीवन सार। तो आइए ये कविता का सस्वर वाचन था। कवि ने इन कविता के माध्यम से मानव तथा इस प्रकृति के सभी प्राणियों को अपने कर्तव्य का बोध कराने का प्रयास किया। कवि राम नरेश त्रिपाठी ने इस कविता के अंतर्गत जो मुख्य विषय वस्तु बताने का प्रयास किया है वो इस प्रकार है, सुनने का प्रयास करें कि प्रस्तुत कविता के जो रचयिता श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने कविता के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है। वे कहते हैं कि प्रकृति के सभी जीव अपने अपने गुण धर्म के अनुसार कार्य में लगे हुए हैं, यानी इस प्रकृति पर जो भी प्राणी है चाहे चर हो या अक्षर हो, जो स्थिर हैं या विचरण करने वाले हैं, वे अपने अपने कार्य करते रहते हैं। पशुओं से मनुष्य को अनगिनत लाभ हैं,
या जो जीव जंतु अन्य हैं उनसे भी मानव को अनेक प्रकार के लाभ हैं। जैसा कि हम जानते हैं पशु में अनेक प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते हैं जिससे हमारे जीवन यापन चलता है। पेड़ पौधों के महत्व से सभी परिचित हैं। ये सभी मात्र निज मन अपना जिसे कहा गया है हित चिंतन करते हुए कर्म नहीं करते। जैसा कि आप जानते हैं प्रकृति के जितने भी अन्य प्राणी हैं वे अपना हित नहीं देखते, वे परहित का काम करते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे अपना कर दूसरों को अधिक भलाई का काम करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में ऑक्सीजन तथा अपने सभी प्रकार की वस्तुएं प्रदान करने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं कि अपितु प्रकृति के अन्य जीव भी इतने इनसे लाभ उठाते हैं, अतः मनुष्य को विवेक माने अपनी बुद्धि को जागृत रखकर सभी के प्रति अपने कर्तव्य का बोध करना चाहिए या अपने मनुष्य को अपनी कर्तव्य का बोध करना चाहिए। तो आइए ये हमारा जो पाठ था उसका विषय वस्तु था। अब इसी के आधार पर कवि रामचंद्र त्रिपाठी जो कवि कविताएं लिखी हैं उस कविता का भाव समझने का प्रयास करते हैं। कवि कहते हैं कि जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत है, दूने एक न एक सभी को सबके निश्चित वर्त है। जीवन भर आतप सह वसुंधरा पर छाया करता, तुच पत्र की भी स्वकर्म में कैसी है तत्पर। कवि कहता है कि जग में जग से तात्पर्य संसार कि संसार में अनेक प्रकार के लोग सचर माने विचरण करने वाले, अचर माने स्थिर, स्थिर से तात्पर्य जो जो एक ही स्थान पर रहते हैं जैसे पेड़ पौधे वगैरह जिसे कहा जाता है, पहाड़ है, जंगल है, ये सारे एक ही स्थान पर रहते हैं जो किसी प्रकार के घूमना फिरना नहीं होता। लेकिन जीव जंतु तथा मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते फिरते हैं इसे इनको सचर कहा गया। व्यक्ति संसार में विचरण करने वाले या स्थिर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं वे सारे सारे अपने कर्म में लगे हुए हैं, अपना अपना कार्य करते हैं। वे कहते हैं दूने एक सा सभी को सबके निश्चित वर्त, यानी सभी प्राणी वो अपने अपने मन और लगन के साथ धुन के साथ कार्य करते रहते हैं और उनका एक निश्चित वर्त है। वर्त से तात्पर्य कार्य या कर्तव्य को लिए क्या कहा गया है कि उनका एक निश्चित कर्तव्य है, उस कर्तव्य के तहत अपना काम करते हैं। फिर कहते हैं कि जीवन भर आतप, आतप से तात्पर्य धूप, लोगों से कहा गया है कि जीवन भर आतप से वसुधा पर छाया करता, तुच्छ पत्र भी सबकर्म में कैसी तत्परता दिखाता। यानी कि इस पंक्ति के अंदर कवि ने एक पेड़ की पत्ती का उदाहरण दिया है कि पेड़ की पत्ती किस प्रकार से एक धूप के अंदर खड़ी रहती है या पेड़ के ऊपर जो पत्तियां लगी होती है वो किस प्रकार से धूप में रहती है कि वे कहते हैं धूप सहन कर कभी वे अन्य लोगों को छाया देते हैं, यानी राहगीर को जाने वालों को छाया देते हैं, यानी अपना हित सोचकर दूसरों का परहित का कार्य करने का प्रयास। इसलिए कहा गया तुच्छ पत्र माने छोटा सा पत्ता भी वो सब अपना कार्य करते हुए दूसरों को किस प्रकार से सहायता देने के लिए तत्परता करता है। आगे देखिए अगली चार पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के अन्य संसाधनों के बारे में कहा गया। कवि कहते हैं रवि जग में शोभा सरचाता, सोम सुधा बरसाता, सब है लोग क्रम में कोई निश्चित दृष्टि न आता है, उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म में तनिका। कभी कहते हैं कि इस संसार के अंदर का जो सूर्य है जो सारी प्रकृति के ऊपर प्रकाश डालता है या अपनी दृष्टि दिलाता है जिससे उसकी शोभा बढ़ाता है, शोभा सरचाता है माने सभी को प्रकाशमान देता है, सभी के अंदर सुंदरता दिलाने का प्रयास करता है। उसी प्रकार देखिए तो सोम से मतलब चांद से सांप चांद है वो अमृत की वर्षा करता है। इसी प्रकार कहते हैं कि सब लगे हुए कर्म है माने सब अपने अपने जो प्राणी या अन्य है प्रकृति के वे अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, उनका निष्क्रिय माने कोई भी निष्क्रिय रूप से यानी काम में कोई प्रकार की बाधा नहीं रखे हुए, यानी बिना किसी दृष्टि डाले हुए वे अपने कार्य में लगे हुए हैं। उद्देश्य नितांत मन लगातार जिसे कहा गया का उद्देश्य नितान तुच्छ तरण तरण मन छोटा से कहा गया है, कण के लिए कहा गया या तिन के लिए कहा गया है कि है उद्देश्य नितान तुच्छ तरण के भी लघु जीवन का उसी पूर्ति से वह करता है अंत कर्म में तनका। कहते हैं कि छोटे छोटा भी घास का तिनका से कहा गया है वह भी अपना एक कर्म निश्चित कर्म से कार्य करता है। इसीलिए कहते हैं कि कर्म का कर्म में जो शरीर है जिसे कहा गया है कि कर्म जो करने वाला है वो अपने कर्म को सोचते हुए किसी कार्य को करने की करता है। अतः ये सारे के सारे प्राणी हैं वो अपने एक निश्चित कर्म के माध्यम से
अपने कार्यों की पूर्ति करते हैं।